सागर और नदियों के संगम पर बसी एक प्राचीन नगरी। इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर, जहाँ के कण कण में बसते विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। जिस नगर के द्वार है अनगिनत, इसीलिए कहलाती है वो द्वारिका नगरी। जी हाँ, आज बात करेंगे द्वारिका के बारे में। वैसे तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, एक नाम उनका रणछोड़ भी है। जरा सिंह के बार बार चढ़ाई करने के बाद यादवों को बचाने के लिए वो मथुरा छोड़ के जब द्वारिका आके बसे थे, तब से उनको रणछोड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर की दीवारों पे आपको मिलेंगे देवी देवता और पशु पक्षियों के अद्भुत नज़ारे। सन 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसकी मरम्मत भी करवाई थी। जैसे बद्रीनाथ में पिंड का महत्व है, रामेश्वर में जल का महत्व है, वैसे ही द्वारका नगरी में सिंगार का महत्व है। एक मान्यता के अनुसार सुना है कृष्ण एक बार एक भ्रमण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से निर्धारित समय के बाद निकालने को बोला। ये सुनते ही भ्रमण बेताब हो गए और उसने समय से पहले ही मूर्ति को कुएं से निकाल दिया, इसलिए इस प्रतिमा की आँखें पूरी तरह से बन नहीं पाई। वैसे तो इस मंदिर में रोजाना 10 से 12 हज़ार की भीड़ लगती है, लेकिन जब कृष्ण जन्म होता है यानी कि जब जन्माष्टमी होती है, तब ये भीड़ दुगनी या चौगुनी होकर 1.5 से 2 लाख तक होती है। इस नगरी पे विश्वास और आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ते। मथुरा में कंस के वध करने के बाद जब उनके ससुर जरा सिंह ने बार बार यादवों पे चढ़ाई की, तब श्री कृष्ण ने यादवों को बचाने के लिए मथुरा से दूर द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। सुना है श्री कृष्ण ने सागर देवता से जमीन ली और विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने करवाया था। इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर लगभग 38 मीटर ऊंचा है। सन 1960 में मंदिर को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्री कम्युनिटी को सौंप दिया गया है, तब से इसकी जिम्मेवारी पूरी इनके सर पे है। इस मंदिर में चढ़ती है कभी कभी तो दिन में 5 से 6 बार ध्वजा। ये ही द्वारिका का गोमती घाट। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही जनमेदनी रहती है, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे बहुत ही कम इंसान। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है और हम आए हैं द्वारिका नगरी में। सुना है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा जो 3 साल में एक बार आती है, इस दिन द्वारकाधीश के दर्शन करने से इंसान के भाग्य खुल जाते हैं। ये है गोमटी घाट की बाजारें। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए ये बिल्कुल सुनसान है। अगर आपको बाय रोड अहमदाबाद से द्वारका आना है तो उसकी दूरी होगी 451 किलोमीटर, जो आप 8 घंटे में तय कर पाएंगे। और अगर आप राजकोट से सीधा आना चाहते हैं तो उसकी दूरी है 225 किलोमीटर, जो आप बाय बस रूट 4 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं सोमनाथ टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उसकी दूरी आपको मिलेगी 225 किलोमीटर,